तो जो अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट इक्वल्स टू मास ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन एयर मींस mg माइनस कितना ऑफ थ्रस्ट, ये जो है अपेरेंट वेट होता है। अब अगर इसकी बात की जाए तो मास mg कितना होगा, डेंसिटी इंटू उसकी मान लीजिए वॉल्यूम v है और ये g है, माइनस ऑफ थ्रस्ट, ये कितना हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा भी का मतलब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी, तो v मतलब सिग्मा और ये जी, और सिग्मा क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर, और रो क्या है डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, तो यहां से सिग्मा इंटू वी इंटू जी, तो ये होगा अपेरेंट वेट। आई बात समझ में, एक हो गया अपेरेंट वेट। और एक और लास्ट रह गया कि अगर मान लीजिए कोई फ्लूइड है उसके अंदर हम आप जो है अपने ऐसा हैंड को थोड़ा डिप कराते और इस तरह से ऐसे फोर्स लगाते हैं तो वहां पे फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स उस पे क्या करता है, जितना फास्ट हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। जैसे पानी के अंदर आप इतना अपना हाथ डिप कराओ, डुबा दो, डुबाने के बाद अगर आप जितना फास्ट उसको खींचेंगे पानी को ऐसा स्वैप करना चाहेंगे उतना ज्यादा वाटर एक जो है आपके ऊपर हैंड पर क्या लगाता है विस्कस फोर्स लगाता है, और जितना स्लो चलेंगे तो पानी वही है डिप आपने उतना ही कराया है हैंड को लेकिन उतना कम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो आपने एक चीज देखा कि यहाँ पे जो फोर्स है कौन सा विस्कस फोर्स, एफ विस्कस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है वेलोसिटी के, जितनी फास्ट जितनी तेज वेलोसिटी उतना ज्यादा फोर्स, और एफ वी इज इक्वल टू माइनस बी वी। आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा स्टोक्स लॉ, तो वही है ये स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स इक्वल्स टू माइनस सिक्स पाई ईटा आर और ये भी, ठीक है, ये यहां से आपका जो है आता है, ठीक। तो आगे चल के आपको सिखाया जाएगा, फिलहाल आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। तो ये सब सारी चीजें आप जो है इसे नोट कर लें अच्छे से, ओके।